अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ईमान और जिन स्पीचेस पे आप सबको खुश आमदीद। आई होप यू ऑल आर गुड, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम गुड एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स अबाउट किस्मत का हाल एंड स्टार्स एंड प्रॉमिस, सो इट्स एक्चुअली सो इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे और आपके माइंड में भी वही क्वेश्चन होंगे जो इसमें क्लियर होंगे। और आपने देखा होगा खुद भी कि लोग जो है वो किस्मत का हाल दिखवा रहे होते हैं, लोगों से हाथ दिखवा रहे होते हैं पामिस से कि हमारी किस्मत कैसी है, या फिर वो अपने कोई फाल निकलवा रहा होता है, कोई कोई उनसे हफ्ते के बारे में पूछ रहा होता है हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा, कोई दिन के बारे में पूछ रहा होता है हमारा दिन कैसा गुजरेगा, कोई अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहा होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा गुजरेगा। सो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आए जो कि आपके माइंड में भी आए होंगे कि क्या ये हलाल है, क्या ये हराम है, इज़ इट ओके टू डू दैट, हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्या उनके पास वाकई इल्म होता है, क्या ये सही है ये गलत है, क्या ये इस्लामिक तौर पे ठीक है ये गलत है। सो वी विल वॉच ऑल दैट इन दिस वीडियो। हम डॉक्टर जाकिर नाइक के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी, आपको एंड में एक बहुत मजे की बात भी बताऊंगी। सो आई होप यू गेट द नॉलेज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन इट। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ हाथ और हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं, आप मेरे को इसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं जो ज्योतिष होते हैं वो सही है क्या गलत है। ये जो है ना ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेगा या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छे काम होने वाला है, 10 चीज गलत होगी एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको, अमेरिका में एक साइकोलॉजिक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% of the student said that the teacher was more than 90% correct. और इसका ये इसका सीक्रेट है कि 95% जो थे तालिब इल्म उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखे है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु मैसरु, बेशक शराब और जुआ खेना, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु मैसरु वल अंजाब वल असलामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुद्ध परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान, फर्स्ट निबुल्लकुम तफलियून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है जी? आप मानते हैं कि बुद्ध परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जमा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी पे लीजिए, आप यहाँ आ सकते हो तर्जुमा ले सकते, और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह इस तर्जुमे के हिदायत पाएंगे और इंशाल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाल्लाह।
So what we concluded from this video, Dr. Zakir Naik said what I said, whatever thoughts are, तो हमें जो conclusion इस बात से मिलती है जो भी हमने discussion की उससे वो ये है कि जो palmist हैं हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, ये हमारा ईमान कमज़ोर करती हैं. एक्चुअली अल्लाह ताला ने जब हमसे जो चीज़ हिडन रखी, जो चीज़ हमें नहीं बताई उन्होंने, जो चीज़ पर्दे में रखी है, तो हम कौन होते हैं किसी के पास जा के हम उसके बारे में जो है जाने. हाँ, फ्यूचर है हमारा, हम जज कर सकते हैं कि एक बंदे का फ्यूचर कैसा हो सकता है, वो हमारे उसमें आता है. लेकिन जब अल्लाह ताला ने अगले लम्हे के बारे में हमें हमसे हिडन रखी वो बात, तो हम कौन होते हैं किसी से जाकर वो पूछने वाले. तो ये कुफर के ज़मरे में भी आता है, ये आपके ईमान को कमज़ोर करता है. तो इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए ये सब कुछ. और दूसरा ये कि आपके बिलीव्स, आपने बिलीव्स को पॉजिटिव रखें, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा. आपने बिलीव्स को जब नेगेटिव रखेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा. द पामिस्ट, ऑल द नजूमी, ये जो भी ज्योतिषी हैं, दे ऑल जस्ट प्ले विद योर माइंड. इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्हें पता है, ठीक है, उनके उन वो लोग आपके माइंड के साथ खेलेंगे. वो लोग आपको जो बात बताएंगे, आप क्योंकि उन पर बिलीव कर लेते हैं, तो आप उन पर जब बिलीव करेंगे तो आप जो है वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने ठीक बोला. तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. आपके क्या इस बारे में ख्याल है, क्या इस बारे में राय है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न एंड आई होप यू गॉट द नॉलेज एज वेल. एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.